नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु 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 गुरुवार। मैं कल जबलपुर में एक घटी घटना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पहले तो ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सिविल लाइन के ऊपर एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण 2018 में किया गया था और उसकी लिखित स्वीकृति नगर पालिका द्वारा दी गई थी। कल अचानक क्या हुआ कि नगर पालिका की स्वीकृति के आधार पर वहाँ निर्माण हुआ और कल वहाँ पर नगर पालिका का पूरा आमला, पुलिस फोर्स और पूरे लोगों के साथ में पहुंच जाते हैं बुलडोजर के साथ में और कीर्ति स्तंभ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैन समाज को पता चलता है और वो उसका विरोध करते हैं, तब जाके वो आमला तो वापस चले जाता है। आज दिन भर उनका आंदोलन चल रहा है, धरना पे बैठे हैं। मेरा ये पूछना है गुरुदेव कि जिसकी निर्माण की स्वीकृति शासन ने दी हो उसको बिना सूचना के रातों रात तोड़ने का क्या औचित्य हो सकता है? दूसरी बात कि ऐसी स्टेप में जैन समाज को क्या करना चाहिए, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, घोर निंदनीय घटना है, जैसा कि मुझे आपने अभी बताया और मेरे पास इसकी जानकारी भी है। पिछले दो वर्षों से, जब से गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में कीर्ति स्तंभों की रचना की, स्थापना की योजना बनी, तब से ये बात मेरे मानस कामने है। सिविक सेंटर पर वहाँ की पंचायत ने स्वीकृति ली, नगर पालिका की, नगर निगम की लिखित स्वीकृति थी, वो स्वीकृति का पत्र भी यहाँ उपलब्ध है। और स्वीकृति के उपरांत वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इसी मध्य कुछ अधिकारीगण इस तरह की हरकत कर लिए, ये कतई शोभास्पद नहीं है और बर्दाश्त के लायक नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरी समाज को इसकी निंदा करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जैसे महान आत्मा का, इतना महान व्यक्तित्व जिसके लिए देश में अनेक स्थानों पर कीर्ति स्तंभ बनाए गए और भोपाल जैसे शहर में तो खुद सरकार ने अपने व्यय पर कीर्ति स्तंभ की रचना की, वहाँ के कमला पार्क में, वहाँ की बड़ी पौश इलाके में। और वही आज अगर सरकारी अमला इस तरह का कृत्य करता है तो इसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए और समाज को इस पर, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये किया है उसकी जांच होनी चाहिए और क्यों हुआ ये देखे। मैं तो ये मानता हूँ आचार्य विद्यासागर की नाम पर बनाए जाने वाले कीर्ति स्तंभ पर जो हाथ लगाएगा, जो उसे गिराने की कोशिश करेगा, वो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा, वो खुद गिर जाएगा। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जिनने भी ये कार्य किया है, ये बहुत कुकृत्य किया है, उसका अंजाम तो उसे न जाने कैसा भुगतना पड़ेगा, भगवान ही जानते कितने जन्मों में भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कृत्य ठीक नहीं। हम हमेशा समाज से कहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है विधि विधान के साथ करना है। कीर्ति स्तंभ वहाँ कब का बन जाता, केवल वैधानिक स्वीकृति में विलंब होने के कारण वह नहीं बना। और ये 20/5/2018 को जबलपुर के नगर निगम ने स्वीकृति दी और उसके बाद वहाँ काम शुरू हुआ और इस तरह का कार्य हुआ। मुझे मालूम पड़ा कि पूरा कीर्ति स्तंभ तोड़ा तो नहीं गया पर वहाँ के संगमरमर पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है। सरकार को चाहिए कि उसकी भरपाई करे, अविलंब कीर्ति स्तंभ को बनाए और जिन अधिकारियों ने इस तरह के कृत्य किए हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि प्रदेश में या देश में कोई भी अधिकारी इस तरह का कार्य न करे। और मैं पूरे प्रदेश की जनता से, बल्कि देश भर की जनता से कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करे कि ये जो कृत्य हुआ है ये कतई उचित नहीं है। कमलनाथ जी खुद गुरुदेव के प्रति अनुराग रखते हैं, ये कैसे हुआ? अगर शासन के आदेश के बिना हुआ होता और फिर शासन कुछ करता तो फिर भी सोचते हैं, जब शासनादेश है उसके बाद हुआ और उसके बाद भी अगर शासन के आदेश के बिना भी कहीं होता है तो पहले नोटिस दिया जाता है फिर तोड़ा जाता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। इस तरह का कार्य करना ये तो एक प्रकार की गुंडागर्दी है और प्रशासन की अगर ऐसी गुंडागर्दी है तो समाज को उसके लिए कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और समाज को एक अल्टीमेटम देना चाहिए
कि अगर सरकार ने इतने समय तक कार्यवाही नहीं की तो पूरे प्रदेश भर में इसका आंदोलन चलाना चाहिए, देश भर में आंदोलन चलाना चाहिए। अभी तो जबलपुर में धरना है, जरूरत पड़े तो हर गांव शहर में धरना देना चाहिए। और ये केवल जैनों तक की बात नहीं, जैन अजैन सब के विषय की बात है। हमें इनका सबके ऊपर ध्यान रख करके काम करने की ज़रूरत है, तभी इसके प्रति इस तरह के लोग सावधान होंगे। समाज जैन समाज अहिंसक समाज है, हमेशा समाज के विकास में और प्रदेश के विकास में अपना रचनात्मक सहयोग देती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया है, तो ऐसी जगह में ऐसे महान आत्मा के विषय में अगर कोई चीज़ बनती है और उसे द्वेष भाव से दुर्भावनापूर्वक तोड़ने का कृत्य किया जाता है, ये कतई स्वीकारने योग्य नहीं है। हमें इसकी पुरजोर निंदा करते हुए विरोध करना चाहिए।